ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له لا شريك له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سمعته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فساجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال إن أنا خير منه خلقتي من نار وخلقت من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا برهان الله الصلاة والسلام عليك يا جمال الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء المرسلين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك وعلى بيتك أزواج ذريتك يا محبوب رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد आपके लिए एक नुक्ता काफ़ी नहीं लो और दफ्तर दी बेअकलानू पंद ना कर दी नबी सरवर दी अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में पहन लो मोहम्मद की गुलामी का निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबी अलवल सिवाय इबलीस के जहां में खुशियां मना रहे हैं मेरे दोस्तों अजीजों एक सूरत यासीन दी आखिरी आयात मुबारक पढ़िए उस तो बाद स्वाद सूरत कुरान मजीद उन्हीं आयात मुबारक पढ़िए मेरे दोस्तों आज ये महीना रबी अलवल का महीना है रबी आदन खुशगवार मौसम यानी हर चीज़ खुशगवार होती है हर चीज़ सर सब शदाब होती है हर चीज़ बूटे वगैरह देखो हर चीज़ यानी खुशनुमा है ये महीना रबी अलवल है रबी अलवल की 12 तारीख 12 रबी अल हजूर सलाम की विलादत पाक है जेड़ी मैं आयात मुबारक पढ़ी हैं वो ये है कि सब तो पहले कोई चीज़ कोई ना है
न ज़मीन आई, न आसमान, न सूरज, न चांदा, न इंसाना, न जिन्ना, न फरिश्ता, काश है न कोई चीज़ कोई नहीं। समझ नहीं पई, काश है नहीं यानी कोई चीज़ कोई नहीं। एक छुप हुआ खजाना है, कौन तुम कौन जन, मैं एक छुप हुआ खजाना। कल कदीम तू आंदे पिए, तब जो है बच्चे सुनते पे हो, सारे सुनते पे, कदीम तू यानी शुरू तो आंदा पिए, कदीम है पता नहीं कद आंदा है, छुपे खजाना है। जब वो छुपे खजाना ने उसने इरादा किया कि मेरी पहचान हो, मेरी पहचान, मैं जो छुपा खजाना, मैं जहर होना चाहना, मैं जहर होना चाह, मेरी कोई पहचान करे, मैं इनको जहर करे। तो जो ये बच्चे तो जो ये सारे तो जो यानी को ओ जहर, ताकि मेरी पहचान हो, जो मेरी पहचान करें उसे च मैं सारी कायनात बना छोड़े। ये कुरान मजीद हूँ ए करके अल्लाह ताला ने कुरान मजीद आयात मुबारक पेश की है। सुनो अलम इत आ गया, अल्लाह ताला ने पेश किया कुरान, इन्नमा अमरुहु, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शायन, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शायन। अल्लाह ताला ने जब इरादा किया, वो छुपे खजाने ने इरादा किया कुरान मजीद ऐद मुताबिक लफ्जी माना, उस तो बाद थोड़ी जी मैं तफसीर बयान करता, यानी कुरान मजीद का यह समझाया कि उसने लफ्जी माना करके समझाया। कुरान मजीद लफ्जी माना ये नहीं, पहला लफ्ज़ है इन्नमा अमरुहु, तवज्जो है, तवज्जो करे सो, सारी गलम हाट के बह के तवज्जो करे सो, जित तक मेरी आवाज़ रही पई है और ये पूरी दुनिया के बेच करके तकरीर रही पई है, यूट्यूब से तकरीर आँदी पई है, फेसबुक से आँदी पई है, व्हाट्सएप से आँदी पई है, पूरा और पूरी दुनिया सुनती पई है। मैं पूरी दुनिया नु सुने दा पिया कि गौर करे सो, पता लग सी तुहानू कुरान मजीद है, फुरकान किताब है, ला रैब है, कोई शक नहीं, ये अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह ताला दा एक कलाम है, अल्लाह ताली किताब है, जालिकल किताब ला रैब, इन कोई शक शुबा न करो। शक शुबा कौन करें दे, जेड़े शक्की मिजाज दे हुसैन जिन्हें मुनाफिक आख बैंदा, ओ शक शुबा ना करो। इसी पर फरमाया ज़ालिक अल्लाह फलामीन ज़ालिक किताब ला रैब फी, इन्हें कोई हुदल्लल मुत्तकी, जेड़े मुत्तकी लोग हैं परहेजगार, उन्होंने वास्ते में कुरान मजीद हिदायत है। उस कुरान मजीद चू मैं आयात मुबारक पढ़िए, वह भी तफसीर तो बहुत लंबी है, लेकिन एक आयत उन्हें पूरी कायनात छुपी हुई है इस आयत के विच। इतने लफ्ज़ है इन्ना यानी तहकीक शक न करो, पहले अल्लाह ताला फरमाया मेरे कुरान से शक, इन्ना तहकीक पक्की गल है, मां मैं अमर हूँ, अमर है मेरा, मेरा अमर है, अमर हूँ, हूँ यानी अल्लाह, अल्लाह दा अमर कह किता इधा इरादा, जब अल्लाह ताला ने महबूब उस वक्त को याद करो जब मैं इरादा किया, एज अरादा जिस वक्त, इस मुराद जिस वक्त अरादा बनी इरादा, शायद शायद इरादा किया लफ्जी में ना, तब जो है लफ्जी माना वैसो, लोग कोई माना कुछ करें दे, तब कोई मैं लफ्जी माने दी करके तशरी लाए वैसा, उस बाद हदीस मुबारक दस ऐसा तो उन्हें पता लग वैसी सही करो। इदा अरादा शायद, जब इरादा किया शायद, अल्लाह ने इरादा किया शायद, अल्लाह वो कर जो ये छुपा है खदान है, अल्लाह कोई नहीं, ना कोई नहीं, सिर्फ छुपा है खदान है। उसने जब इरादा किया तो अगर क्या क्या आई या कूलो फरमाया, आई या कूलो कहा, आई या कूलो, जब मैंने कहा कैनू अमरहू आख्या, कैनू आख्या अमरहू आख्या, अमरून जब आख्या तो मैं जो कलाम की, मैं जो कलाम की अमरून, उन्हें इतना नूर निकला जमीन आसमान च नूर फैल गया, जमीन आसमान च हर पास नूर ही नूर फैल गया। जब इतना नूर दिखा ना बेसाख्ता अमरू च निकला अल्लाह, बगैर सोचे समझे कोई कहने
बगैर सोचे लफ निकला अमरहू, अमरहू ने आके अल्लाह अल्लाह आग से सीधे चले गए, सीधे पैन अल्लाह अल्लाह लाए बने। जब अल्लाह उसने कौन ने देखा कि इसने मेरा नाम बुलंद किया है, इसने मेरा नाम लिए, इसने मेरी पहचान करवाई है, मैं अल्लाह दी मेरा जाती नाम अल्लाह उस वक्त रखी गया अल्लाह, तो वो सीधे चले गया। तो उसने देखा अल्लाह ताला ने कि इसको जब मेरी जात तक पहुंच गया इसको क्या पर्दा करने, अल्लाह ताला ने आपकी जरदा आपकी जरी जाती पर्दा हटा दिता। जब जाती पर्दा हटाया और नीचे जमाल निकला, हुस्न का जमाल निकला, वो जमाल पिया अमरूद, जब अमरूद जमाल पिया ओके बन गया सब का तुल्ला अल्लाह के रंग रगी गया। सब को कुरान में ये नहीं है अल्लाह का रंग, अल्लाह ने आप जमाल का रंग उनते पाया, वो जमाल बन गया, वो नूर बन गया, वो नूर का एक सितारा बन गया। समझ आती पई है हूँ इन्हें कि इन्ना मां अमरू कौन है, हम समझ आती तवजो करना है अमरूहू कौन है, अमर क्या है, ये बड़े बड़े उलमाए दीन यानी इस चीज न सुचेंदे इतने गौर करें आम गल नहीं करें पिया उच्ची टाप टाप भी गल करें पिए प्रधानों यानी असल जमात आए सुना का अकीदा इो है मोटी है। सारी दुनिया हर एक कुफार वेखो मुशरकीन वेखो दुन वेखो हर कहने अपने खुदा बनाए न हिंदुओं देखो उन्होंने कितने खुदा बनाए दूजे हर फिरके ने जमात अपने खुदा बनाए लेकिन इसने इको आखे अल्लाह अल्लाह इलाह ये मेरा महबूद है अल्लाह दला दे। जब अल्लाह का जाती ना बन गया आपका अल्लाह, अल्लाह ने अपने पर्दे हटा के दिखाया अमरून, अमरू ने जरा के अल्लाह सीधे पैर अल्लाह। जब अल्लाह आके ना उन्हें च हैरान होया हूँ अमरू कौन है, गल आ गई ना सारी गल अमरू तो मुकदी है अमरू कौन है, अमरू यानी अल्लाह का अमर अमरे रबी। समझ नहीं पई सवाल होया कि यहू अपना मुशरकी ने मक्का ने बड़े बड़े सरदारें ने सोचा कि ये मुहम्मद मुस्तफा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है उन नबूवत का दावा की खड़ोता है ये अज तक कोई ऐब नहीं था, ये कोई गल नहीं थी सुन पाए बेटे कोई गल कोई ऐब नहीं था कि ये जब असाया ने कोई ऐसा है हूँ तो नबूवत का दावा की खड़ोता है कोई ऐब उन्होंने काम वसा भेजा यहूदियों के नसारा उलमाए दीन दे यहूदियों के उन्होंने भेजा कि यह दसो मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है नबूवत का कोई ऐसी चीज कढ़ो जेड़े को ऐब या कोई ऐसी गल आ वजे उन्हें आख्या उलमाए दीन ने क्या क्या त्रै गलां पूछो, पहले पूछो अमर रबी क्या है रूह क्या है, दूसरा पूछो ज़ुल्करनैन कौन है, तीसरा पूछो असाब काफ कौन है। ये कुरान में ये त्री गलां मौजूद हैं। असारों का महबूब सवाल करें थे रुते अमरू क्या है अमर रबी क्या है ना कुरान में इतने ये सवाल कुरान है कि ज़ुल्करनैन पूछ ज़ुल्करनैन को असाब काफ के मुतल पूछते हैं अल्लाह ने असाब काफ का पूरा वाक्य सुना देता ज़ुल्करनैन का पूरा वाक्य सुना देता। जब आया ना अमर हूँ तू इन्ना मैं अमर रबी हजूर फरमाया मैंने उन्होंने इल्म काम दिता गया अमरू द इल्म जरा ना रूह द इल्म अमर हू अल्लाह ताला फरमाया मेरी रूह है अमर रबी रूह है और रूह का इलम में थोड़ा दिता गया महबूब तेन तो दिता है यानी कहन इस कहन इलम नहीं किया कह नबी ने इलम दिता यहूदियों वाज तो उन्होंने दस है भाई इवे गल बात है हजूर सलाम ने जवाब दिता है उन्हें आखिर बिल्कुल हक है नबी सारे नबी मूसा कलीम ना अमर का पता ही कोई नहीं अमर रूह क्या है वो अल्लाह ताला की शान ही ने अमर वो रूह है रूह क्या है अल्लाह ताला की शान है ते अमरो इन्ना मामूरी बड़ी शान वाला यानी मुस्तफा है मुस्तफा कहने चुनो या अल्लाह ताला ने उस अमरु कुन तो अमरु ने पहले चुन लिया है जिसने मैनु मेरी पहचान करी थी वो अम मुस्तफा है मुस्तफा माना भी चुनो या अगू ये मुर्तदा मुर्तदा अली है मुर्तदा अली भी अल्लाह ताला ने चुन लिया है मुर्तदा वो माने चुन ले हसन हुसैन मुजतबा है हसन हुसैन ही अल्लाह ताला पहले चुने हुए दुआ सैयद निसा है सारी औरतों की सरदार फातिमा तुज़्ज़हरा ये पांच नाम है यानी अमर हूँ अल्लाह की बड़ी शान है
जब उसने इस तरह देखा इन्हें आख्या तो अपना रूह जी है अल्लाह ताला किसी ने इल्म दिता हजूर फरमाइंदा पे मैंने कम इल्म दिता जिता है मतलब वो अमरू रूह है उस रूह ने अल्लाह ताला के फरमाया अल्लाह ताला फरमाया जिस वक्त उसने आख्या कि अल्लाह अपना जरा जमाल पाया तारा बन गया सितारा बन गए समझ आती पई है वह नूर का सितारा बन गया अल्लाह ताला उसने आपे रंग जी अपनी जमाल दे बेच रंग रंग दिता जमाल मुस्तफा बन गया और नूर मुस्तफा अल्लाह ताला नूर अल्लाह ताला जमाल वो बन गया। जिस वक्त ये गल हुई अल्लाह ताला ने अगू के फरमाया जब वो सितारा बन गया अल्लाह ताला अगू फरमाया कौन उसे कौन जिमें कोई चीज़ होंगी है बनाया बंदा तो अपना जो स्टेप करें दे कौन करे क्या दे उन्होंने जोड़ा लाया बंद है निशान लाया बंद है निशान लाए उसे कौन थे वो सारी कायनात बनी गई रब कि देर आए कौन फाय कौन सारी कायनात सिवाय इंसान दे इंसान तो बगैर सारी चीज़ बनी गई वो कुरान मजीद जिक्र पूरा है पिया कुरान मजीद जिक्र है सारा यानी वो सारी कायनात अल्लाह ताला ने बना ली थी यार सारी कायनात बन गई आप नूर हन पाए जिस वक्त हूँ इन कह के दो हदीसा मुबारक दे दसे ना एक हज़रत जाबिर को दूजे अबू हुरैरा को दो आते जाबिर कौन हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक वो कहते हैं अपना बुखारी दे उस्ताद हैं मुस्लिम दे उस्ताद हैं पे अब्दुल रज़ाक को पे हूँ वो जरा जबरील आए हजूर सफर या कैबर उम्र का जबरील तेरी उम्र कितनी है वो वाकई ही बनया कि बीबी फातिमा तू सारा हजूर सलाम के घर बैठी बीबी फातिमा तू सारा जबरील आए उन्हें दरवाज़ा खड़काया अंदर बीबी फातिमा से कौन जबरील चाचा जबरील है तब जो है बेटी तो जो है ना सुनो बच्चे थोड़े वास्ते चाचा जबरील है उस आख्या ना मैं चाचा ना साढ़ा ताया तेरे अबे को वड्डा मैं तेरे को अबे को वड्डा मैं ताया साढ़े घर हजूर तशरीफ लाए पूछा कै मुरे का जबरील मेरी बेटी जो कई बार जबरील तेरी उम्र कितनी है आकर रसूला मेरी बहुत बड़ी उम्र है उस कोई हाथ हो सी अल्लाह मैंने अपनी उम्र का पता कोई नहीं लेकिन ये पता चौथे हजाब थे कितने हजाब ने लता था पहला दूजा चौथे हजाब एक तारा निकलता है एक तारा निकलता है वो 70,000 साल खड़ा रहा है फिर वो जनाब चुप पाता है इसी तरह करके वत तलू आंदा 70,000 एक दफा इसी तरह मैं 72,000 मरतवारीठ है मेरी इतनी उम्र है एक कहने मौलाना अब्दुल रज़ाक आला पैन कहने को है अबू हुरैरा को हदीस मुबारक साहबी रसूल हजूर फरमाया जबरील बस ये बड़े काल की गल है आका यार सुन काल की गल है वो इतने अरसा गुजर गया दिखा मैं कोई चीज़ कोई ना एक वो सितारा कायनात काश है ना वो सितारा है मैं दिखा बात उसे दर सितार ना जमीन आसमान हर पास उसे दर नूर ही नूर होता है वो दार रोशन सूर ही कोई ना काश है कोई ना वो नूर दार करके सारे पास कायनात रोशनी होती है। हजूर ने फरमाया जबरील दिखावा या दसा काका यसर दिखा दिया दस आपने बशरी बात नूर जो चमके बेहोश होकर डाय पाए कौन जबरील जब होश आया आका ये दसो वो तुहाडा नूर आया अस मेरा नूर आयो सितारा मेरा नूर दाय पिया अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी ओ मैं ओ मेरा नूर आई ओ मेरा नूर आई उस आका ये दसो 70,000 जो खड़े रहते हैं खड़ोते हो सितार चमकता पिए बस कितने गोमो वेंदे आ बस चले वेंदे आ बस 70,000 बार शुरू होंगे आखिर अल्लाह की बारगाह दे विच मैं पहला वह बंदा जिसने सीधा किया पहला अब इवें ना सुबहान अल्लाह जी असरा बे अब्दे ही असरा बे अब्दे मैं अपने बंदे नु लै गया सैर करवाई वो बंदा अब्द हू वही बंदा खास मेरा बंदा जब सब तो पहले मैंने महबूब का करा ला और मैंने सीधा करा ला मैं वो महबूब दा मेरा बंदा आई पैर कर करा ला उस तो बाद जनाया मन अपना फिर फरमाया कितने चले वे दे आप फरमाया जबरील 70,000 साल अल्लाह की बारगाह मेरा क्याम होता है 70,000 साल अल्लाह की बारगाह में रुकू तो सजूद होता है
फिर उस तो बाद मैं आंदा अल्लाह की बारगाह उतला आंदा मैं उन्होंने इबादत ही खड़ोता। इतों तक पता लग गया। फिर इस तरह करके एक एदा सबूत देना पी वही कुरान मजीद आवाज़ आती है वादी च आवाज़ आती अल्लाह कलाम तो करना है अपना दीदार करा तेरे कलाम इतना होश निकलता है इतना नूर निकलता है इतना नूर निकलता है बेनतहा नूर मैं तकना चाहना देखना चाहना तेरे तेरा हुस्न कितना है। इसे गल दे यानी सबूत देता पे तो कुरान मजीद देखना चाहना अल्लाह ताला फरमाया अल्लाह अंतर हद के नहीं वेख सकता तू कत्ता नहीं दे सकता तेरी अख नहीं देखण दी ताने ताला अल्लाह ताला फरमाया बीबी आयशा तू हदीस मुबारक है कि अदरा का यानी अख कोई देख नहीं सकती अल्लाह नो ये किवें हजूर साहब ने मेराज की गल कहना हजे मिली नहीं ये गल करें दे लेकिन वो अख वेखण वाली होर अल्लाह ताला फरमा अगो आखे पिया मूसा कलीमा तू नहीं देख सकता अदरा का लाबासर यानी आँख नहीं देख सकती अल्लाह मैं तो देखना चाहना मस्त अगर मैं जरूर देखना अच्छा मैं रहमान रही मैं दिखाई ना मैं तेन आ गया ना अल्लाह दिखाने वास्त एक कुतूर है पहाड़ उन्हें मैं जात ही नहीं सिफात का जलवा पैना वो देखे पैना तजली पैसा अगर पहाड़ ने तजली कबूल कर ली जजब कर लिया तू बेच सकते हैं अगर नहीं कबूल कर सकता रेदा रेदा वो तू मैं नहीं दीदार कर सकता तो जो करे सो मसला हल होता वैसे फिर उस तो बाद जनाब अल्लाह ताला ने जात दी उत्ते जलवा पाया ते पहाड़ जरा जल के सुरब हो गया टुकड़ टुकड़े आप बेहोश होकर गिर गए उसका असर जो कहना पे वेदा पिया ना पहाड़ दे हजा मूसा करीब जब उन्होंने असर पिया उस जमाल का यानी अल्लाह ताला जलवे के जल उन्होंने पिया बेहोश होकर गिर गए जब होश आया अल्लाह मैं माफ़ी मंगना मैं नहीं दे सकता बाकी मैं देख नहीं सकता लेकिन अल्लाह ऐसा कोई तेरा परतो होवे ऐसा तेरे को जमाल होवे उन्होंने देख के मैं तेरा दीदार कर सकता डायरेक्ट नहीं कर सकता इन डायरेक्ट कर रहा उन देख से अल्लाह ताला फरमाए मेरा महबूब आ रहा है सुभान अल्लाह मेरा महबूब क्या आदम आल संघ चलते चलते आते पे ना मूसा कलीम ने भैया अगर आना है ना मूसा कलीम पहले ईसा बाद हजूर साहब मेरा महबूब आ रहा है जब आप मेराज ते गए अल्लाह ताला फरमाया मूसा कलीम बोला मतन दीदार करे ना वादा हो गया जब आप आए आसमान ते दूसरे आसमान ते आए आपने पूछा क्या हजूर अकरम सलाम मेरे प्यार महबूब क्या लेके आए हो जो पंजा दिन बाद दे होर तकफीर करवाओ वध गए वह पाँच घटियाँ वह नौ दफा आए बाकी बच गई है पाँच अल्लाह तार फरमाया करीम अजर मेरे दीदार तो नहीं रजिया वादा की तो आए ना दीदार कर अजर नहीं रजिया फिर उस तो बाद महबूब अगर आवे तो मैं पाँच ही माफ कर दे सा महबूब आज सही अल्लाह मैंने उन शरा मान दिए वो पाँच दी पंजा साढ़ी नवाज यानी ये तो समझाने मतलब यह है कि उस वे अल्लाह तार ना जमीन आई ना आसमान कोई चीज़ कोई नहीं अल्लाह तो महबूब आई अल्लाह ताला उस वक्त उन्होंने महबूब बना रही तू मेरा महबूब है यही तो मेरा मोहम्मद है यही तो मेरा अहमद है यही तो मेरी रहमत है यही तो मेरी हमद है यही तो मेरा परतो है यही तो मेरा जमाल है यही तो मेरा बुरहान है यही तो सिरात मुस्तकीम है ये मेरा महबूब अल्लाह ताला फरमाए यही तो मेरा है जो इसको देखेगा उसने मेरा दीदार करेगा ये देखने मेरा दीदार हो सी क्योंकि ये कौन है मेरी दलील है पूछो कि अल्लाह की दलील क्या है अल्लाह की देख मेरा मोहम्मद ही ने ये मेरा अहमद है इस बार बात इस बार ये क्या आया जाबिर को आया सारे कट्ठे हुए जाबिर आका को पूछो सारी कहना तो अल्लाह पाला ताला ने कि चीज़ पैदा कि शाय पैदा की इतनी शायद लफ्ज़ आख्या इरादा शायन या इरादा कित शायद उत्थे पुछता भी जाबिर पुछते अल्लाह ताला ने सारी शायद तो पहले केड़ी शायद पैदा की हजूर फरमाया भाई या जाबिर सारी कायनात पहले सारी चीज पर अल्लाह ताला ने अपने नबी का नूर पैदा किया तेरे नबी का नूर पैदा किया तेरे उस नूर च सारी कायनात अल्लाह ताला ने बना ली समझ आती पी है फिर अल्लाह ताला ने किया चौथे हजाब से आप रखा चौथे हजाब के करके अल्लाह ताला ने अपना उन्होंने इल्म अता किया जितने कालूम हैं सारा इल्म अल्लाह ताला ने हजूर सलाम ने इल्म अता किया क्यों जीता
उस्ताद है ये शगिर्द पढ़ाने वाले ये पढ़ावे पूरे इल्म दे क्योंकि इस पूरी कायनात बेच करके नबियों का नबी बन के मंजना सारी कायनात नबी तक मैं नबी नूं पढ़ा तो भेजा का कल को कोई सवाल कर मेरे महबूब जवाब दे सके। डॉक्टर साहब वो कोई सबूत दियो कुरान मजीद मैं तो आना हर गल का मैं सबूत कुरान मजीद सबूत दियो हम सुनो सबूत के अल्लाह ताला फरमाया अर रहमान अल्लाम अल कुरान खालक अल इंसान अल्लाम अल बयान अर रहमान मैं रहमान अल्लाम अल कुरान अपने महबूब दे नूर कुरान दे इल्म दिता सारे जितने अलूम सारे अलूम इस कुरान मौजूद ही ने समंदर का वत कोई किनारा है लेकिन इस कुरान का कोई किनारा सारी उम्र पढ़ते रहो बाकी ये निशान नहीं मुकदी समझ नहीं आ सकती ये तो कुरान है एक एक कह देता चाली चाली जनाया मान शेख अब्दुल कादिर जलानी महबूब सुबानी तफसीर करेंगे जल आप कहना सत्ते रवाल मुल्क बैठे वे वे औलिया वे वे तकरीर सुनते हैं और एक कह दे कारण किता पूछा अपना ये दसो ये ऐद का पता है तुहानू जो पता है यदि तस्वीर 16 तस्वीर आ गए तो उस वे जनाब मान पूछा कि दसो कि यह क्या है कहने हसन कौन पूछ दिया हसन कौन है बीबी राबिया राबिया ने क्या आखे वेंद है हाँ हसन बसरी हसन बसरी को पूछा उस आखे तुसन दसो ये क्या है उस आखे ये पता नहीं 16 तक तो मैंने पता है अगर 40 तस्वीर कल कर गए कौन शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी 40 तस्वीर कर गए उस आखे इन्होंने पता कोई नहीं यानी एक एक है दी कितने हाँ तस्वीर हैं ये तो कुरान वो है समझ नहीं तफसीर हुए अल्लाह ताला ने फरमाया ना अल्लाह ताला फरमाया हूँ अपने महबूब ने लिता अर रहमान अल्लाम अल कुरान मैं कुरान देना सारा जितने इल्म इस कुरान लोए माफ जितने इल्म इस कुरान मौजूद ही ने जी चीज़ वेखो कुरान में साबित है साबा कलाम क्या देना अगर साड़ी सुई गुम हो असा कुरान की ऐतन तलाश कर सू सुई मिल पैंती यानी हर मसला कुरान मजीद मौजूद है हजूर दे नूर दा हजूर दा अपना के ना अपना के ना सी इल्म गैब दा हजूर दे हाजर नाजर दा मुस्तकीम दा नूर सरात मुस्त सारी चीज़ दा इल्म कुरान मजीद मौजूद ही ने आप दे मुख्तियार होवन दा सारा पूरा कुरान जी ने मिला दे मुस्तफा ही ने पूरा कुरान सबूत देंदे पे मिला दे हजूर दी आमद ये शुरू तो हजूर दी आमद वतन दसेंदे पे इत्थों करके मुस्तफा दी शान बुने मुस्तफा ने चुने हुए अल्लाह ताला फरमाया कि मेरा महबूब मेरी पहचान करने वाला मेरा महबूबियत मेरा महबूब है जैसे मेरी पहचान करवाइए मेरी पहचान करने वाला मेरा मुस्तफा है वो मेरा महबूब है तो जानती पई है अल्लाह ताला ने हूँ इस करके वाद के फरमाया जब कायनात बन गई जिब्रील ने भेजा जमीन ते जाओ तो सबको बयान करने सुनने वास्ते आया तो जनाब के होया जिब्रील जा जिब्रील जमीन ते आक अल्लाह इलाहा जेल्लै आप जमीन आसमान बन गए ना आप अर्श तवा ते गए आप अर्श किते पानी तूते ला उत्ते ला मकान का पानी है पानी तो अर्श है वो अर्श जेड़े कौन चार फरिश्ते चाहे वो अल्लाह ताला अर्श जेल्लै आप अर्श गया अर्श कंबल पाया गया पानी की वजह करके कंबल पाया गया तो अल्लाह ताला हुक्म दिया जिब्रील जा जमीन ते ऐलान कर दे ला इलाहा गैब च आवाज आई है इल्लल्लाह जिब्रील दौड़ आया मालिक ये ला इल्लल्लाह आखन वाला कौन है ये मेरे को आवाज़ ज्यादा निकलती है मैं ला इलाहा दा नहीं महबूद वादा इल्लल्लाह अल्लाह कौन है दौड़ आया सख जबरी दोबारा जा जमीन ते ऐलान कर दोबारा आया वत आके ला इलाहा वत वादा ये इल्लल्लाह हैरान हो हक्का बक्का हैरान के कौन हो वे मेरे को आवाज़ ज़्यादा त्री दफा वध गया वत उसे ऐलान के अल्लाह ताला फरमाया वांग ला इलाहा वता इल्लल्लाह इल्लल्लाह दौड़ आया था अल्लाह ताला फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह
ये मेरा मोहम्मद है, यही तो मेरी पहचान करवाए, यो तो अंदर सेंदा पिया, अल्लाह आखण आला मेरा महबूब है, यो अल्लाह पुकार आला। आ जबरील पता लग गया मैं कौन, मैं अल्लाह तुहाडा, सारी कायनात हो गया मैं अल्लाह तुहाडा। फिर उस तो बाद लिख कलम ना का कलम नौकरी लिख लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, आज से लिखी गया ला इलाहा इल्लल्लाह, पानी बा अर्श आप जगत रुक गया, वत नहीं हिलिया। जब अपना आदम अलैहिस्सलाम दिठा ही ना सीधा अर्श उत्ते निगाह भाई ला इलाहा, उस वक्त ला इलाहा लिखा शुरू तो देख अल्लाह ताला हुजूर फरमाया ना, अल्लाह ताला फरमाया यही मेरा बंदा है मोहम्मद, यही मेरा बंदा है अब्दहू। अल्लाह ताला फरमाया हुजूर क्या फरमाया, अल्लाह वहदहू यही कल्ला है, ला शरीक करे दा शरीक कोई नहीं। अल्लाह ताला हुजूर ने अल्लाह ताला फरमाया ये अब्दहू व रसूल, यही मेरा बंदा बे रसूल है। एक कलमा पढ़ गया, कलमा उत्ते लिखी गया, समझ आ नहीं पई। इस तो बाद मैं दूजी आयत पढ़ी आई तो आने सामने करके जाहिर की है सवाद ही चुका करके, उस आयत सुनो मेरा मतलब ये गल करन दा है कि सब तो पहले साढ़े शेर है, आज ये शेर दो बनावे दे सारे शेर है कि क्या है, निसार तेरी चैल पर हजारों ईदें रबी अलवर सिवाय इबलीस के जहां में खुशियाँ मना रहे हैं। इन्हू तीन इतराज़ किए यूट्यूब से बड़ा इतराज़ करें दे पैन कि देखो इन्होंने ये शेर बनाया सानू के बनाए खड़ोते हैं, सन के असा खुशियाँ नहीं मने सन के आदा है, ये शैतानी लोग है, शैतान का टोला है, इबलीस जो नहीं है इबलीस का टोला है, वो नहीं मनेंदा पिया सन इबलीस मने असा इन्होंने आखिया कि बारह मफाती यानी हजूर सन का वफात आ गए, आज ये शैतान का टोला खुशियाँ मनाई खड़ोते हैं। उन्होंने वो शेर का मतलब ये कटे आया पिया शेर ही आया, इन्हें शेर कट के दिखा क्या इन्हें उन्होंने जिन्हें जो हजूर सलाम की शान नहीं मनेंदे, हजूर के मिला नहीं मनेंदे, हजूर की खुशी नहीं मने, उन्होंने ये कटिया उस शेर के मुतले करके मैं जवाब देता पिया। इतने पता लग गया इतों अल्लाह ताला फरमाया, सुन अल्लाह ताला फरमाया वायदा सवायदा नफाक तो मिफी ये मैं रूह ही, जब इन्हें बनाया दवा इन्हें मैं रूह डाला, रूह कौन है, अल्लाह ताला ने उस रूह नू अपना के बना दिया कि इन्हें तकलीक करके नूर ही तकलीक, रूह और नूर है हजूर साहब दे रूह है ना, उस आके रूह मेरा महबूब है, यही तो मेरा मुस्तफ़ा है, उस नूर और रूह भी है तो नूर भी है ना, आप रूह रूह नू नूर तब्दील कर दिया अल्लाह ताला ने इंतखाब किया नूर ना, उन दो चीज़ा रूह तो नूर। हूँ अल्लाह ताला फरमाया जब मैं इन्हें बना चुका इन्हें फी है रूह ही, आप रूह डाला रूह की नस्बत है अल्लाह दे रहे, रूह ये जी ये नस्बत अल्लाह दे रहे, यानी अल्लाह की रूह से नहीं, रूह है मुस्तफ़ा है ना। सुबह मैं बयान किया है तुहानू कि नूर ही अल्लाह नूर समावात है का मैसर नूर ही, और नूर ही कौन है, अल्लाह तो बेमिसल मिसाल दाते है, और नूर ही कहो मेरा मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, फिर पूरी तस्वीर करके दसे हजूर दी मिला दे अल्लाह आप दसें पिए इतने मैं रूह ही फाकूला साजदीन, जब मैं उसे रूह डाला नूर मुस्तफ़ा डाला रूह मुस्तफ़ा डाला इन मैं रूह यू डाला आप ही रूह डाला फौर सिद्ध में गए गए कहने वाले पिए फिरश्तियां फिरश्तियां उसे मखलूक फिरश्तियां आजादील बेच शामिल है नहीं समझिए पहले तो अल्लाह आख्या ना कि मैं जमीन से अपना नए बनाना पियाँ मैं भी आदम आंद पे मैं अपना खलीफा बनाया था जमीन का खलीफ फ्रैक्चर ने शोर में जो लड़ाई झगड़े फसाद करे सहयोग करे अल्लाह का खबर रहा तो कोई पता नहीं मैं जानना कौन है वो। फिर अल्लाह ताला मारे जब मैं रूह डाला फिर सारे सीधे गिर बजाए उस तो पहले पिया तो दसन वास्ते पहले के हालात अल्लाह इंसान ही नम दहरे लम या कुन शह मत पूरा सूरत दहरे अल्लाह ताला फरमाए एक ऐसा वक्त जमाना गुजरे इंसान उते जब उसे कोई चीज़ जिक्र वाला है ना जबान ना कोई चीज़ कोई जिक्र आई ओके अम्बात और गैर मुर्दा बेजान आई बुत बनाए 40 साल बुत पिया रिया जमीन ते 40 साल बुत अल्लाह ताला ने उस आदम पिए वो आदम का जिस सारा बने पिए सब कुछ मौजूद है लेकिन उन्हें क्या है रू नहीं है रू नहीं है उस रूह नहीं है बुत बुत गैर अम्बात गैर आहया उन रूह कोई नहीं। इस पर जब मैं रूह डाला
उस वक्त सीधा करा सकता, नहीं कराया। इसके कहना रूह डाला, रूह नु सीधा होता, फिर रूह है मुस्तफा, नूर है मुस्तफा ने अल्लाह ताला सीधा करवाया। जब मैं रूह डाला सीधे में चले वजाए, जल रूह डाली, रूह डाली ना नूर डालिया, नूर तो बन गया अशर व मखलूकात, इंसान बन गया, शर्फ बन गया, तो रूह चुके बाद जिंदगी मिल गई। रूह तो जिंदगी है तो नूर चुके अशर हजूर की वजह करके इंसान सारा अशर हो मखलूकात है। समझ नहीं पाई, इस अल्लाह ताला फरमाया जो सारे सीधे गिर गए। हम समझ दी गल नुकसा गुआ लगी, अल्लाह ताला के फरमाया फसाजद अल मलाइका तो कुल्लुहुम अजमाउन, अल्लाह ताला फरमाया सारे ने मलाइका ने सीधा किया, कुल्लुहुम जितने अजमाउन सारे सीधा किया, इल्ला इबलीस सिवा इबलीस के, सिवा इबलीस दे, इबलीस की सिवा सारी कायनात सारे फरिश्ते ने सीधा किया मेरे महबूब को, सीधा करे ताजीमी अदब सीधा, मैं अपने महबूब ने भेजा जमीन थे ताकि मेरे महबूब का अदब ताजीम होवे, मैं अदब कर सारे फरिश्ते अदब ताजीम कर मेरे महबूब न, इसने सीधा नहीं किया, ताने करके अल्लाह ताला ने सारी कायनात बढ़ाई है, सारी कायनात अल्लाह की इबादत करें दी पी है, सिर्फ शैतान लईन दे और आजाद अपना कहना अपने इबलीस दे और ताकूत के अलावा बाकी सारी कायनात अल्लाह ने सीधा करें दी पी है, वो सारी कायनात दे रही है, वो सारी सारे अंबिया जो सारे मलाइका सीधे पैन, लेकिन ये आकर दखो सिवाय इबलीस के, ताने शेर बड़ो है सिवाय इबलीस के जहाँ में तमाम खुशियाँ मना रहे हैं, वो शेर दम तो मतलब दसना है। आज ये तुम सोचो कि इबलीस अतः इबलीस हो तुस अपने आप ने जो थोड़ा बड़ा खुला इबलीस तू आप आधे पैन तो खुद इबलीस बन गए, तुसा खुशी नहीं मने दे, जेल खुशी नहीं मने सीधा किया फिर सारे सीधा किया हजू की खुशी सीधा करें, समझ आ रही पई है। जब ये तखलीक हुई अल्लाह ताला को क्या फरमाया सुना दिया बेत बेटा सुनने की गल है अगो इला इबलीस इस तक बारा, अल्लाह ताला फरमाया फाजाल कुल्लुहुम अजमाउन, अल्लाह इला इबलीस इस तक बार तू के कर गई है तकबर की चाहता है गुरूर की चाह, मैं जो फिर उस्ताद आ मेरी तीन शाह ने मकान तुम दस सर कितने हाँ अल्लाह तारों रुतबे दिते इतने रुतबे इतने करके तू आप तकबर के तू काफिर हो गई है, इनकार करी तक काफिर हो गई हैं, क्या हो गया मेरा हुक्म नहीं मना तो गैर मुकल्लद बन गई है, मुकल्लद बन होता आखा मलना तकलीक पैरवी करनी, तू मेरे हुक्म की पैरवी नहीं ला गैर मुकल्लद, शैतान कौन है गैर मुकल्लद, क्योंकि अल्लाह का आखा नहीं सी मनिया, जरा आखा मना उन्होंने मुकल्लद भैया की पैरवी करे पे आखा मनी खड़ा मुकल्लद, बाकी सारे फरिश्ते मुकल्लद वो गैर मुकल्लद, समझ नहीं पाई आखना इस तक बाल मेरा काफरीन तू काफर च हो गए, काला ये इबलीस हो, इबलीस ने क्या क्या काला ए इबलीस आख्या ए इबलीस मां माना का अल्लाह का भी तेन किस चीज ने मना किते आन तस जुला इन सीधा नहीं किता, तेन किस चीज ने मना किता मैं जो हुक्म दिता सीधा कर कितना आए मसला तुम दस पुते समझने की गल है गौर करे सो पता लग सी, मैं जो हुक्म दिता है आम तो सीधा दिमाग खलाकता यानी कि तू सीधा कर तेन कि चीज ना रोके सीधा ना कर, तू दस मैनू तेन कि चीज ना रोके सीधा, तू तो मेरे नज़दीक है मेरी इबादत करने वाला है, जमीन आस हर जगह जमीन चप्पन या तू इबादत इतना इबादत कोई नहीं थी तू इबादत करने वाला आज तू इबादत कर मेरी इबादत कर मेरा इनकार किया मेरे हुक्म इनकार किया मेरा आखा नहीं मनिया पिया, हूँ अगो उसने क्या किया खलाकता बे याद दैया अल्लाह ताला को के फरमाया माना का तस जो दिमाग खलाक था तू इन्हें क्यों नहीं किया जो में तखलीक तू क्यों नहीं किया बे याद खलाक था बे याद मैं अपने हाथों नाल बनाए कौन आदा पिए अल्लाह ने कितनी बड़ी गल आ गई अल्लाह आदा मैं अपने बे सुना ना के लड़ा तक सुना खलाक तो बे याद दैया खलाक जिसने मैं अपने हाथों नाल पैदा किया इन्हें अपने हाथों नाल बनाया अपने हाथों नाल पैदा किया अल्लाह दे हाथी कोई नहीं यानी अपनी कुदरत नाल करके उत्थे कौन फाय कौन नाल बनाई खड़ा था सारी कायनात अल्लाह उत्थे सारी कायनात जब ये मेरे महबूब की वारी आई है वो अपने हाथों नाल बनाई जाती कितनी बड़ी गल है मैं दसा ना तुम्हारी कि अल्लाह ताला ने अपने हाथों नाल बनाया जिन्हों अल्लाह ताला ने अपने हाथों नाल उन्हें सीधा कुत्ते ने करेंदा लातिया उन्हें सीधा ने करेंदा पिया और दिता दे उन्हें खुशी ने बनेंदा पिया सारे फेस से खुशी से सीधा सिट पाए जिबरील डिठा जिबरील हैरान हो मिट्टी कोई नहीं वो अख अख देखने बन गई कन देखने वाला पा गया बाद वो तो सुधा इंसान बन गया को मिट्टी का ना निशान ही कोई नहीं जिबरील हैरान है
देखे रोज पिछाने च नूरे नूरे मुस्तफा ने सीधा किया। मैं तो हैरान हो मैं वो बोलन लग गए आवाज़ दी आवाज़ हजूर की वजह करके अखी जे नूर है ना नूर ये नूरे मुस्तफा ही ने कन्ना की समाज नूर गया उस वे अखी च नूर ही आ गया कन्न सुन आ गई जबान बोलन लग गए हथ पैर काम करन लगे सारे इंसान बन गए। समझ नहीं आती पी अल्लाह ताला फरमाया जिन्हें मैं अपने हाथों नाल बनाया तेन शर्म नहीं आती तू उस आदा है ये अल्लाह मैं इस तू बेहतर हाँ अल्लाह मैं इस तू बेहतर हाँ अना खैर मिन हो अना मैं खैर बेहतर हाँ इस को अल्लाह फरमाया नहंती है तू उस को बेहतर हो सकना तू क्यों बेहतर हो सकता है तू जो आदम है तू बेहतर है मेरे महबूब तू क्यों बेहतर हो गए कई चीज़ कोई ना तेरी जिन मखलूक नहीं पैदा मैं की ना फिरिश्ते पैदा के ना जमीन ना आसमान कोई उस वक्त मेरे आखर वाला मेरी पहचान कर मेरा मुस्तफा है जब कोई चीज़ कोई ना तू जो पैदा मैं किया जिन उस वक्त तू मौजूद कोई ना वो मेरा महबूब मौजूद है जब सारी कहना मेरे महबूब हाजिर नाजर बेहद बेटे सारी कायनात बनती पी बनती उस मेरे खुल पई कितनी बड़ी गल यानी सारी तहरा तू इतना इतना तक कबर कर मेरा महबूब ना क्यों मेरे वो कौन किमें तू चंगा वो तो तेरे को बनन तो पहले मौजूद है वो तो पहले सारी कायनात कौन फाया कौन नर बना उन्होंने कौन आखो तो नूर सारी कहन वो नूर च बनती गई फिर इतने सारी चीज तो वो बन गए तो तू कितने आए जब ये जिन पैदा किया उस वक्त तू कितने तू आता मैं उस तू बेहतर हाँ है कुत्ते उस तू बेहतर क्यों हो गए इनकार कीजिए वो महबूब तो वसील है मेरा महबूब तो वसील है यानी उसने वो वसीले नाल मेरी पहचान हुई है पहचान तो करा अल्लाह की पहचान मेरा महबूब वो वसील है यानी अल्लाह और मखलूक के दरमियान नबी वसीला मेरे वसीले मेरे वसीले नहीं कर मेरे वसीले सीधा ही नहीं करेगा आज वसीले आदा पैन वसीले क्या दें ये शिरक है बिदत वो तो शैतान की जमात जरा खुशी नहीं बने दे पे ये कुरान भी फैसला आ गया मैं तुम दस इसी तरह करके एकदम बड़ी हैप्पी अल्लाह ताला ने फिर चाहा अपने महबूब भेजे सीधा करवाया सारा कुछ उन्हें जी कायनात इंसान बन गया कौन आदम वाला फिर आदम जन्नत भेज दिता अगर लंबा किस समय थे मकसद का अजान टाइम हो गया पढ़ना है मेरे दोस्त इसी तरह आज पता लग गया इस शेर दे क्या निसार तेरी चहल पार पर हज़ारों ईदें रबी अलो सिवा इबलीस के जहां में खुशियां मना रहे हैं तुम तसव्वुर दिता है तुम ये दी है कि सिवा इबलीस दे अल्लाह दे सिवा इबलीस से सारे फिरिश्ते मेरे महबूब ने झुके पैर तजीम सिवा इबलीस दे सारी कायनात में सीधा कर मेरी इबादत करे पे इबलीस की इबलीस तागूत इबलीस की जमात यानी कि शैतान मरदूद की जमात नहीं करे पे मरदूद क्या है मरदूद क्या है शैतान मरदूद अगर मरदूद शैतान यानी मरदूद कुएं तो आवे खूह के बिच मुर्दा पियोवे मरदूद पियोवे खूह पाक होंगे ना पाक होंगे समझ नहीं पुत तो ना पाक होंगे जब वो ना पाक हो खूह गेड़ी रखो चलाई रखो बजाई रखो ट्रैक्टर चलाई रखो पाक हो सी नहीं होंगे क्यों जब करको मुर्दार बैर न करे सो जब मुर्दार बैर करे सो ते खूह पाक हो सी ते अल्लाह ताला फरमाया इन्हां दे महबूब इन्हां दिल दे मुर्दार है मुर्दार दिल किवें पाक हो सकदा है किवें पहचान कर सकदे हैं ये तो दिल मुर्दे पे ये दिल इन्हां दा मुर्दार है जब ये मुर्दार नूं बाहर कढ़े से शैतान नूं बाहर कढ़े से वत मेरा अल्लाह मैं सुभान अल्लाह औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम पनाह मांगना अल्लाह तेरी शैतान मरदूद को लो अल्लाह अपनी पनाह जब मेरी पनाह चावे सो वत मेरे पहना से बस मेरे महबूब द लाड पर मैं नबी सदीक शाह सालीन मेरी जमात शामिल हो सो वह तुम शैतान कुछ नहीं आ सो इंशाल्लाह अगर मैं तशरी करे सन दूजे कहीं जुम्मे किसी मौके से अज थोड़े को इतना का काफ़ी है यानी इस शेर के मतलब तुम तफसीर दस दी शैतान तो बगैर शैतान की जमात सारी कायनात खुशी मने दी वमा आलाई नहीं।